कहाँ है पोलियो वाले, कहाँ है? वो आपका इंतजार करके चली गई ना। चले, अच्छा ये जो नीचे हजरत हैं ये कब भर्ती हुए हैं? आज ही हुए हैं भर्ती और पहला सबक भी दे दिया निराली जी को। हाँ वो जोया कमरे में जाके करो ना, जाओ जाते जाते मुझे टिशू देती हुई जाओ। टिशू क्या जरूरत पड़ गई आशिक, क्या हुआ बताइए ना। आशिक नहीं, आशिक देर चौधरी कहो। देर अंधेर, देर हो गई क्या? हमेशा देर कर देता हूँ और बाजी कोई और ले जाता है। वक्त ने कभी वफा नहीं की मेरे साथ। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कसमें कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे 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 मेरे, मेरे। उस्ताद ने, वो मेरे उस्ताद ने, उस्ताद आ आ वक्त आ गया उनका जाने का और उसके बाद सारा वक्त। अब हमारे लिए आपके पास वक्त का है, अब तो सारा वक्त किसी और के लिए आपके पास। लेकिन ये जो लेकिन है ना, ये जब कुछ नहीं मिलता तो लेकिन लेकिन ये बहन का भाई का है, मैं तो उससे मिलने आया था। कहाँ है? मैं कहाँ है? ये पकड़िए, इसे संभाल कर रखिएगा। मुझे तो संभाल नहीं सकी आप। नहीं आशिक ऐसा मत कहो, रुक जाओ। क्या हो गया? और की होएगा मेरे ऑडिशन तक की होएगा, गाने तक की होएगा, मैं फन की बुलंदियों को कैसे छूंगी? और जोया अच्छा ना मैनू ये दस तेरे नाल मसला की है? तुम्हारे ये आर्म्स जो हैं, ये शोल्डर, ये सब हैंड्स टूटे हुए, पर्दों पे गर्द पड़ी हुई है और तुम्हारे दिमाग में जो गर्द है वो उतर नहीं रही है। ना तुमने पर्दे साफ किए, ना अपने दिमाग में से गर्द उतारी है। काम क्यों नहीं कर रही है? वो जो इतनी लंबी लिस्ट है टू डू थिंग्स की, तो वो कब खत्म होगी? निराली जी मैंने मेरी गलती है, सच रहा है, तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। फेंक देती ना मैं पहले तुम्हें बाहर किसी गटर में हैं, या किसी यतीम खाने में, तो अच्छा होता। तुम जो हो ना इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें महल में हवेली में रखा जाए। हे औकात ही अपनी भूल गई हो। ये डंडा जो है ना मैं तुम्हारे सर पे मारा होता ना, है तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ चुकी होती। क्या जरूरत थी ताने की तुम्हें? क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोलने से लमिया सजा देते हैं और खिचड़ी बन जाती। सही है, तो ये जो मुंह है ना इसको बंद रखो फिर। हाँ क्या लिखा है मेरे फेस पे, क्या लिखा है मेरे बातों पे, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। समझ नहीं लिखा है, फफे कुटनी नहीं लिखा। ओ उस्ताद जी क्या कह रहे हो तुम? ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? क्या किया, क्या किया, क्या किया उस्ताद जी आपने? अरे पूरे पाकिस्तान में तुमने दबा दिया कि लखनऊ से एक बुड्ढे उस्ताद जी आया, उन्होंने कोयल की आवाज में का सबक दिया है तुम्हें। अरे तुमने तो हमारे फन की बस उस्ताद जी गुस्से में तो भाएंगे नहीं, कंट्रोल। बस अब ये शबनम की तरह अपनी गर्म सांसें ले ले के ओवर एक्टिंग मत करो तुम। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तुम इतने फटे ढोल की तरह इस बेचारी मासूम को डांट रही हो। मेरी आवाज बेहुदा? मैं तो कभी इसको बेहुदा आवाज में नहीं डांटा, हमेशा खूबसूरत और सुरीली आवाज में डांटा है। और ये आपको मासूम कहां से लग रही है? नहीं पता इसका, मैं बताऊंगी कभी आपको। बस फन की बहुत तौहीन हो गई। अरे गुलुकारा को ये जेब देता है, वो इस तरह फटे ढोल के साथ किसी को डांटे? अरे तुम्हारा ये बंद, अगर इस चीज को तुमने नहीं बदला तो तुम्हारी ये गुलुकारी का ख्वाब जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं उस्ताद जी नहीं, ऐना कहना करना, मैं मर जाऊंगी। आप ऐसा अच्छा बाबा ठीक है खड़ी हो जाओ। आज से हम तुम्हें दूसरा सबक देंगे, आइंदा तुम इस भौंडी आवाज में नहीं डांटोगी। तुमने खामोशी के साथ
पूरे घर का काम अकेले खुद में करना है। क्या? ताकि तुम्हारे गले को तरावट मिलेगी। तरावट, तरावट, तरावट बहुत जरूरी है किसी गुलुकार के लिए, और ये हमारा हुक्म है, और ये आज से ही तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात दोस्ता जी, क्या बात। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किधर? देखा जोया जी, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा। मतलब अब ठीक है? कुछ चाहिए? चाय, कॉफी लाओ। डायन ना कहा था मतलब उसका दिल पर। सोया जी, रेहान जी प्लीज आप वेलकम। बंची जी बिजी तो नहीं थे? थोड़ा बहुत था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रेहान जी हैं, इन्हें ऊपर मेरे वार्डरोब वाले रूम में ले जाओ, पूल के पास। हाँ ठीक है। रेहान जी प्लीज आप जाइएगा, आई एम जस्ट कमिंग। जी आइए, फॉलो मी। अरे तो बॉस क्या पूछ? अरे सर आइए ना, फॉलो मी, आइए आइए आइए। अरे किससे फॉलो करा रहा है? अबे तू बॉस? अरे तू तू तक तू तक तू तक तू दिया जमालो। बॉस? बॉस नहीं है, इस घर का नौकर है ये। अच्छा क्या बोल रहे तुम्हें, फिर से बोलना। इस घर का नौकर है ये। नौकर? हाँ हाँ। अच्छा मेरी बात सुने आप कान खोल के, हर वो शख्स जो मेहनत करता है, हक हलाल से कमाता है, वो मेरी नजर में बॉस है। ये इस शख्स बॉस है, मैं बॉस हूं, तुम बॉस हो, हम सब बॉस हैं। बॉस बॉस बॉस। देखा देखा मेरे पहले बॉस का दिमाग देखा, ये मेरे पहले बॉस है। हाँ हाँ आप मेरे पहले बॉस हैं और मैं आपका पहला नौकर। दरअसल लूर लूर खुआर हो रहा था, मैं कोई नौकरी भी नहीं रख रहा था, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और आज देखो एक मामूली चाय बनाने वाले चपरासी को ये प्यार से बॉस कहते हैं। इतना अच्छा इंसान है यार, देखो क्या अच्छे इंसान है। बॉस अब आप आए हैं तो क्या खाएंगे? अच्छा खा खा बौखलाट वाले चने या घबराहट वाले समोसे? नहीं चाय, चाय ले आओ भैया। सुना तुमने, सुना मेरे बॉस आए ना, मेरे पहले बॉस है, तो एक अच्छी सी कड़क सी चाय बना के लेके आओ, जाओ। हाँ, जल्दी कर, अभी ला। और आराम से टाइम लेके बना के आना, ठीक है? तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ बस इसी वजह से इतने दिनों से ऑफिस नहीं आया और अब तो डैड भी इस ड्रामा का हिस्सा बन गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना लेविश लाइफस्टाइल आपका, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ये मतलब ये नौकर बने हुए हैं आप, क्यों? रेहान तुम्हें पता नहीं है, बचपन से देख रहा हूं मैं, डैड ने बस मुझे हीरो बनाने के लिए, मेरी अच्छी जिंदगी के लिए इतनी मेहनत की है, खुद कितनी बार जीरो बने हैं वो, तो उनकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर थोड़े अरसे के लिए मैं नौकर बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी अब इस जगह थोड़ा दिल लगने लगा है। अच्छा है? और हम कुटे लाइन लग गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तबानीज नहीं है क्या? तबानीज? हाँ? उनकी बेटी का शादी का ड्रेस हमारे पास आया है। क्या बात कर रहा है? यस यस, उसकी शादी का जोड़ा हम बना रहे हैं। फैंटास्टिक। और कल डिलीवरी है। फैंटास्टिक यार। और आप सोचें, 6-8 तरीके के डिजाइनर को छोड़ के हमारे पास आए। जा। यस ना? यस। लेकिन कल वो डिलीवरी कर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मास्टर जी वो ड्रेस आधा छोड़ के भाग गए। मिस मास्टर, तो अब क्या करेंगे? अब ये होगा कि अगर हमने ड्रेस डिलीवर नहीं किया तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, इज्जत की ऐसी तैसी होगी और सारा काम बैठ जाएगा ठप।
सही कह रहे हो। अगर तबानी की बेटी की शादी का जोड़ा नहीं बना सके तो वो अपने बाकी सारे ऑर्डर भी कैंसिल कर देगा। नहीं तू एक काम कर, क्या सारा कंसर्न मटेरियल और ड्रेस मुझे लाके दे दे। आज रात कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के शौकी अपने हाथों से ये ऑर्डर कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑर्डर? कौन सा? सायका मैडम, वो सरा है ना, तो इनको जब चाय पीनी थी तो बस उसी के ऑर्डर की बात कर रहा था। तो आप ऊपर चले, आपकी चाय आपके ऊपर इंतजार करे प्लीज। ओ, चाय ऊपर इंतजार करी सर। आप यहाँ क्या करें, जाकर काम करें। जी मैडम ने क्या कहा है, नौकर जाके काम करो। आप प्लीज रेहान जी आइए ना। जी नहीं, वो मेरे पैर में कुछ चढ़ गया था मैडम, वो ठीक कर रहा था। आप लोग जाइए ना प्लीज। प्लीज इग्नोर। प्लीज संभाल के सब कमरे में ले जाए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू कलेक्शन। आई कैन सी। तो आप बस सारा दिन काम ही काम, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं वही काम करता हूँ जो मैं एंजॉय करता हूँ। डू व्हाट यू एंजॉय, एंजॉय व्हाट यू डू। अच्छी लाइन है, लिख ले काम आएगी। हाउ बोरिंग। नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हॉबीज और इंटरेस्ट? नहीं। नो ट्रेन। Actually, I'm allergic. What? What do you mean? Are you... No! Come! Soft lockdown. Problem ye hai ki wo, I'm allergic to relationships. Problem hoti hai. Samajh nahi. Thank God. I guess, aapko abhi tak koi sahi ladki mili hi nahi. Haan. कहाँ है, कहाँ है सही लड़की, कहाँ है? इतने देखें, आपकी आंखों का नंबर तो सही है ना? Excuse me. They call me Alina. Oh. And you can call me tonight. They call you Alina and you call yourself Alina. Alina, Alina. Never mind. That was just a pickup line. लगता है आप समझे नहीं। समझ गया हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, आप नहीं समझ रही हैं। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आया था, आपको समझ में आ गई। लेट्स फोकस ऑन बिजनेस। बहुत बिजी हूँ मैं, लग रहा होगा बिजी। तो मुझे सुबह जाके बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल्स ईमेल करने, सो आई एम बिजी। अल्लाह हाफिज। स्टे बिजी एज मच एज यू कैन। Rehan, I guess I like him. Yes, I like him. तुम्हारे घर वाले इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे जाने ही नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ वैसे मकसद तो काफी खास है। आप ना मेरे चचा का पीछा छोड़ दें। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले। आप बकरी है। ओ भाई शौकी, ओ शौकी लस्सी ले आ, मलाई मार के यार। किथे शौकी, किधर गया? अरे आप लोगों को जिंदगी में कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त देखो तो शौकी 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 शौकी। अरे थकते नहीं आप लोग? क्या होया है भाई? एना एना गुस्सा किस बात का है भाई? मुझे ये पूछे क्या नहीं हुआ है? मतलब जब देखो तो हर किसी को बस शौकी चाहिए। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये कर दो, कभी। मैं आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ना अपनी शिकायत बता रहा हूँ। बस बहुत हो गया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मेरा ना ऐसे गुजारा होने वाला नहीं। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, छोड़ दूंगा ये नौकरी। हाँ गाल छोड़, बहुत दिमाग नहीं खराब हो गया तेरा? ते जाना है चला जा, दफा हो इधर। अच्छा ऐसे दफा नहीं होगा मैं? मेरे दिल में जिसका चोर जो राज दफन है ना, वो सबके सामने उगल के जाऊंगा मैं। ओ चौकी, सोने तू तो सड़क पुत्र है यार।
तू कितने चला है? तेरे बगैर तो ऐसी आरंग है। चल इधर आ मेरे कोल बैठ। नहीं और मेरा पुत्र नहीं आएगा तू? बैठ जा। चल शाबाश। हाँ हुन दस गल की है? तो ये पूछिए क्या नहीं है प्रॉब्लम मेरा। देखिए मैं ना तंग आ गया हूँ, हर किसी ने मुझे पागल बना दिया, हर वक्त बुलाते रहते हैं, और ऊपर से निराली जी इन्होंने तो वो हाथ उठाई भी है कि मुझे लगता है मैं खुदकुशी कर लूं। आहो वो तो जो लखनऊ का कुलचा है ओदे नखरे भी तू ही उठा रहा है। नहीं हुआ उनकी कोई बात, वो तो मेरे बाप जैसे हैं। मैं कितने क्यों नहीं प्रॉब्लम है, नहीं बड़ी प्रॉब्लम है, और तेरे तो एक बंदा होर पै गया, बोझ पे बोझ आ गया, और की लोड़ पै गई सी यार वो कबर दे ढांचे चुके लाने की, ऐसे इस घर की मूरत बनाने दी। मैंने आपसे कहा ना आप उनकी बुराइयां करना बंद करें, छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे। और क्यों छोड़ दो यार, वो तो वो बाबे बताओ ने ऐनी अत चुकी हुई है। बस एक लफ्ज और नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि यही आप अमीरों की प्रॉब्लम है, गरीब की तो आप लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अरे यहां मैं बैठ के अपना रोना रो रहा हूँ और आप मेरे सामने अपना रोना रो रहे हैं। ओ यार मैं तो ये कह रहा है कि उनु हानु कराओ हानु। चलो जी पहले की चीजें पूरी हो नहीं रही या कुछ नया लेके आ गए, ये क्या होता जी हानु? ओ यार बड़ा आसान सा लफज है, 9-2-11 कर जान छुड़ा फारिक करा। और वो तो वो आशिक चौधरी नहीं अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो भी नाराज होके छट के चला गया। और वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने के बजाय वो लखनऊ वाले दे पीछे पै गए, साड़ी ते सारी दिहाड़ी मर गई। पहले तो बड़ा आपने अपनी कोई दिहाड़ी छोड़ी है ना? आई ना कांसी यहाँ पे, सारी बातों को छोड़े और मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम हल कर। देखे मेरा ना इन चंद हजार रुपए में गुजारा नहीं हूँ, सीधी बात है। और मैंने आपको बताया था ना कि वो मेरे हाथों में जादू है, मुझे सिलाई का काम आता है। आहो दस्या ते तूसी? हाँ तो वो जो मैंने दस्या था ना उसी के बारे में बात करनी थी। देखिए दरअसल मेरे पास ना मेरे ग्राहकों के कुछ जोड़े पड़े, आपको तो पता ही है ईद सर पे, तो ईद से पहले पहले उनको वो पूरे करके देने। तो आज रात अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा और मैं अपने कमरे में आराम से बैठ के अपने वो जोड़े पूरे करूंगा और ग्राहकों को दे दूंगा, तो पैसे भी कमा लूंगा। मना किने किता है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने कमरे का पंखा भी थोड़ा तेज चला लूं, वो निराली जी को आवाज आ जाए ना तो वो आके मुझे कहती बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बंद कर पंखे को। और मैंने मशीन चला ली तो वो तो मेरी गर्दन काटी देंगी ना। गली कोई नहीं यार, रो जूगा भाई हो जूगा। और छोटी नू ना निराली नू मैं संभाल लेगा, तक लेगा मैं उसनू, दिमाग दुरुस्त कर देगा, तू फिक्र क्यों कर दे यार। बात है मेरे बब्बर शेर। बब्बर शेर आजकल तो शेर बड़ा मशहूर होया है, शेर। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं चेंज कर लेते हैं। मेरा शेर। चल हूं चावत थकन बहुत हो गई है, दिल लस्सी उते मलाई पाके। अभी मैंने बोला मुझे आज रात कोई काम नहीं बोलेगा और आप ही काम बोल रहे हो। तू तो मेरा प्रा यार, की गल करता है। आखिरी बार लेके आऊंगा और रात में कोई काम नहीं करूंगा मैं। आ, कोई गली कोई नहीं। साड़ी दिहाड़ी ते फर्क हो गई है, सोचना पड़ेगा। बंटी ओ बंटी, अरे वो शौकी का बच्चा पता नहीं क्या सिलाई सिलाई के चक्कर में लगा हुआ है, सिलाई मशीन सिलाई चले जा रहे हैं, उस शोर में मैं नहीं सो सकता भाई। अच्छा सो जाओ। अरे तंग नहीं करो यार, बोला था तुमने मेरी सिलाई मशीन चोरी करके उस पे काम करके। सॉरी मैं सॉरी
सॉरी, इमरजेंसी में थोड़ा काम करना था, इसलिए मैं ले आया आपसे पूछे बिना। डबल दिहाड़ी, आधे पैसे मेरे। ले आप पूरे रख लीजिए। ये तुमने बनाया है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हुनरमंदी और नफासत से काम करते हो। वाह भाई। अरे क्या बताऊं जाहिर, मुझे तो और भी बहुत कुछ आता, लेकिन सिखाने वाले ने सिखाया था कि एकदम किसी के सामने सारे टैलेंट्स नहीं रख देने चाहिए। अच्छा, इसलिए स्लोली स्लोली मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या आता। वैसे आप भूल रही हैं, मैंने बताया था एक साल मैंने वो डिजाइनर बॉस के पास काम किया था, तो ये सब वहीं सीखा मैंने। से शर्ट की फिटिंग तो बहुत अच्छी है। ये सारा काम जो आप देख रही हैं इस पे, ये भी मैंने खुद किया अपने हाथों से। खुद किया है? एक आइडिया दो। अभी जो बाकी का काम है ना जी, वो शर्ट पे मत रखना, वो तुम जिस तरह ये आ रही है ना फूल, इसी तरह दुपट्टे पे रखो, प्यारा लगेगा। शर्ट पे ऑलरेडी बहुत काम हुआ है। आप सही कह रही हैं, पता नहीं मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। इट्स अ नाइस आइडिया। मैं करूं हेल्प तुम्हारी? अरे नेकी और पूछ लीजिए। सर जी, ये दुपट्टा ना दूल्हा अपनी दुल्हन को गिफ्ट करने वाला है। ये ब्रेड है ना, तो मैं व्हाइट से इसके ऊपर लिखूंगा मेरी दुल्हन। दूल्हे का आइडिया है? नहीं, मेरा है। मुझे दुल्हनों को उनके खास दिन पे सजाने का बहुत शौक है। क्यों? Because I'm a designer, you know, so I am right now, अभी के लिए तो मैं ही हूँ ना, वो हेड डिजाइनर का मेन दर्जी मैं हूँ, तो डिजाइनर फिलहाल मैं ही। जी, एक आइडिया मैं दूं? आपको नहीं पता पर आप बहुत स्पेशल हैं। आप ना अपने दिल की सुना करें, अपने ड्रीम्स के लिए, पैशन के लिए सारा लड़ा करें, किसी के लिए छोड़ना नहीं होना। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दिल की नहीं सुनती? दिखता है जोया जी, अगर आप अपने दिल की सुनती तो अपने ख्वाबों के लिए, अपने पैशन के लिए लड़ जाती। चाहे छोटे से काम से ही शुरू करना पड़ता, कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती, लेकिन आप कभी अपने काम को छोड़ती नहीं। सही कह रहे हो, ऐसे कभी किसी ने एहसास भी तो नहीं दिलाया शौकी। कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम पड़ जाती है। अच्छा है, कोई तो साथ हो, साथ देने के लिए। मैं एहसास दिलवा रहा हूं। एक बार फिर कोशिश करें। It's never too late, sorry. Out. छुपा क्या? नहीं, ठीक है। सोया जी, हाँ। आप जो शादी करेंगी ना, आपकी शादी का जोड़ा ना मैं अपने हाथों से सीऊं। That's cute. वैसे कब तक इरादा है आपका शादी करने का? जब राइट टाइम पर राइट इंसान मिलेगा तब। ओह, वैसे कभी कभी ना वक्त भी सही होता है और बंदा भी। बस हालात की नजाकत ऐसी होती है कि हम सामने वाले की कदर ही नहीं कर पाते। आप भी जरा देखिएगा कि ऐसा ना हो आपका होने वाला सामने ही हो और आप ध्यान नहीं दे रही। अपने हाथों ते ला दे मेरे ना दी मेहंदी, लिशका मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा लेंदी, सपना मेरा सच हो जावे रब यही मंगदा, तारे गिन के रात कट दे दिन मेरा नहीं लंघदा, इश्काने इश्कावे इश्कावे इश्कावे। अब्बा जी, स्टॉप हो जाओ,
पायल सीधे पायल ये अब्बा जी को मना कर रही है, क्या कर रहे छितर मार रहे हैं मुझे। अरे पायल अब्बा जी मैं गाना नहीं छोड़ूंगी, मैं गाना नहीं छोड़ूंगी। निराली निराली कौन 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 उस्ताद जी आप बजाते खुद मेरी खाबगा में खाब है या खाब में खाब है समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हमने 5-6 मर्तबा दरवाजा खटखटाया, बढ़ता 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 बढ़ता, कोई नहीं उठा। फिर हमने अंदर आके आराम बंद किया, कोई नहीं उठा। लगता है कि आप बदमजा से ख्वाब में गर्क थी, गर्क। लेकिन फिर भी अब्बू जी को ऐसा नहीं कहते ना, 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 ना। अब देखिए ना उस्ताद जी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अब्बा जी चले गए लेकिन ख्वाब में आके ना वो मुझे पहले से मना कर रहे हैं, अब ये तो कोई बात ना हुई ना। आपने जवाबी कार्रवाई में क्या किया? मैं क्या मगरू रख जाओ सारे, दफा हो जाओ सारे, मैंने किसी की सुननी, मैंने तो गाना गाना है। आप एक काम कीजिए निराली जी, काली मुर्गी का सदका दीजिए, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, टल जाएंगी, टल जाएंगी, टल जाएंगी। सही कह रहे हैं, डेफिनेटली मैं यही कर रहा हूँ, काली मुर्गी का मैं ना सदका दूंगी। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये हुक्का किसका है? ये मेरे वाहिद मरहूम शोहर सेठ साहब का। जब वो अपने प्यारे प्यारे होठों से कश लगाते होंगे तो कहीं के महाराजा लगते होंगे, है ना? हाँ जी, बस टूट गए, बस ऐसे जैसे रेस लगी भी थी, रेस में उन्होंने फर्स्ट आना था तो बस निकल ही गए। फिर क्या बात हो क्या? अब दिखने में तो काफी भले इंसान लगते हैं मालिक। मालिक? मालिक उन पर अपना करम करे, करम करे। कौन सी मोहब्बत थी? ऐसी जी ऐसी, वही तो मेरे वाहिद लव यू थे, मैं तो जान छिड़कती थी उन पर, बहुत प्यार करती थी। झूठी कहेंगी जी? नहीं नहीं। और आपको पता है उस्ताद जी, मेरी और उनकी पहली मुलाकात एक गाने की महफिल में हुई थी। उनकी नजरें मुझ पर और मेरी नजरें उनके पैसे पर जी। मेरा मतलब है कि काफी पैसा लगाया उन्होंने इस हवेली पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको पता है सारा कुछ मेरे नाम कर गए हैं, जो आपको इर्द नजर आ रहे हैं सब कुछ। कहते थे निराली बस तुम ही तो हो, तुमने मुझे सुख दिया है, जिंदगी दी है, बस सब कुछ तुम्हारे नाम, तुम्हारे पचम बार के फेंक दूंगा, सब कुछ मेरे नाम कर दिया जी। दूसरी शादी का नहीं सोचा उन्होंने? रहने दे उस्ताद जी, शादी की होंगी बर्बादी होंगी, एक बार काफी है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जी 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 जी, तुसी जरा तशरीफ ले जाओ तो फिर मैं तशरीफ लाती हूँ। हाँ जी हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं आई, आ जाए आ जाए। वाह प्रिंस शाहरुख, घोड़े गधे बेच के सो रहे। वाह शाहरुख, शाहरुख, अरे तुम अब प्रिंस शाहरुख नहीं हो, शौकी हो, शौकी मुलाजिम हो इस घर के। अगर मुलाजिम इतनी देर तक सोएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? जानते हो ना तुम्हारा बाप कितना जिम्मेदार मुलाजिम था। अरे डैड बस भी कर दीजिए, पूरी रात कपड़े बना बना के सोया हूं मैं, मुझे नहीं उठना है। अच्छा ये बताओ कि ये माजरा क्या है, ये निराली किन चक्रों में है और ये सब कुछ इतना बदला बदला सा क्यों है? नहीं बदलेंगे ना, उठा लिया ना मुझे।
लीजिए उठ के बैठ गया। अच्छा जल्दी से वो सोमन हो और मुझे बताओ कि क्या माजरा है सर। अरे ये सब ना उस बहन के भाई का किया था रहता है। निराली जी को नया ख्वाब दिखाएगा, नया लॉलीपॉप देगा और क्या, उनको ठगने का ना नया रास्ता ढूंढा है।